आप सभी को ध्यान होगा, कुछ ही समय पहले साउथ चाइना सी में फिलीपींस कोस्ट गार्ड की एक शिप और उसके साथ चल रही फिशरीज वेसल जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी, तो उस बीच चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की शिप्स पर वाटर कैनन से हमला किया था। और चाइनीज कोस्ट गार्ड के इस वाटर कैनन वाले हमले से फिलीपींस की जो फिशरीज वेसल थी उसके इलेक्ट्रिकल नेविगेशन और रेडियो सिस्टम्स को काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया था कि चीन के इस वाटर कैनन से जो फिलीपींस वेसल का क्रू था तो उसे भी चोटें आई थी। और साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच इस तरह का विवाद अब धीरे धीरे और भी आक्रामक होते जा रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में हम साउथ चाइना सी में इन दोनों देशों के बीच के विवाद पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इस विवाद में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले एक डिवाइस के बारे में, जिसे कहते हैं वाटर कैनन्स। और होने को तो वाटर कैनन्स को एक नॉन लीथल डिवाइस की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या एक्चुअल में ऐसा है। तो आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। तो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो वाटर कैनन एक ऐसा डिवाइस हुआ जो कि पानी को हाई वेलोसिटी में रिलीज करता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी एक बड़े कैलिबर की गन की तरह ही है। बस फर्क ये है कि इसके प्रोजेक्टाइल पानी है जो कि बेहद ही अधिक रफ्तार में बाहर को निकलता है। और वाटर कैनन का इस्तेमाल आमतौर पर भीड़ को काबू करने, आग बुझाने या ऐसी अन्य टैक्टिकल पर्पस में किया जाता है। अगर बात करें इसके ओरिजिन की, तो वाटर कैनन्स को वास्तविक रूप से सबसे पहले आग बुझाने के लिए ही डिजाइन किया गया था, और वो भी लेट 19th सेंचुरी में। लेकिन फिर धीरे धीरे इनका इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट एप्लीकेशंस में भी किया जाने लगा। और इंसानों की भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन्स के इस्तेमाल का जो सबसे पहला रिकॉर्ड है वो लगभग अर्ली 1930s में दिखता है, जिसे यूरोप में लेबर स्ट्राइक्स को सप्रेस करने के लिए यूटिलाइज किया गया था। और फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो ये वाटर कैनन्स दुनिया भर की एंटी राइट पुलिस फोर्सेस द्वारा रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल किए जाने लगी। और अक्सर अब आप देखते होंगे कि दुनिया भर में जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर चाहे भारत में हो या कहीं भी हो, तो वहां पे भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल सबसे कॉमन है। और जबकि अमेरिका ने 1960s में उनके वहां चल रहे सिविल राइट्स प्रोटेस्ट के दौरान इन वाटर कैनन्स को काफी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया था। और यहां पे हम बात कर रहे हैं इन फेमस बर्मिंगहम कैंपेन के बारे में, जो कि बर्मिंगहम मूवमेंट या फिर बर्मिंगहम कन्फ्रंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस दौरान पूरे अमेरिका में बहुत ही बड़ी तादाद में प्रदर्शन हुए थे, और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए वाटर कैनन्स काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। और इंटरनेट पर आपको इससे संबंधित कई सारी इमेजेस भी मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों पर वाटर को काफी फोर्सफुली इस्तेमाल किया गया था। और इस तरह के इंसिडेंट दिखाते हैं कि वाटर कैनन्स कितनी लीथल भी साबित हो सकती हैं। अगर बात करें वाटर कैनन के काम करने के तरीके के बारे में, तो इसमें कुछ खास कॉम्पोनेंट्स होते हैं जो कि पानी के एक हाई प्रेशर जेट्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और इन खास कॉम्पोनेंट्स में पहला आता है पंप सिस्टम, जो कि वाटर कैनन की कोर की तरह है, और यही पानी को लेके उसे हाई प्रेशर से बाहर छोड़ता है। और जो पंप्स हैं ये 20 बार्स या उससे भी अधिक के प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं, जो कि टिपिकल फायर हॉसेस की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पंप सिस्टम के अलावा वाटर कैनन के लिए जरूरी होती है वाटर सप्लाई, और वाटर सप्लाई में कोई भी वाटर सोर्स आ सकता है। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है इसका नोजल, जो कि कैनन से बाहर निकलते समय वाटर के वेलोसिटी और प्रेशर को डिटरमाइन करता है। और जो मॉडर्न वाटर कैनन्स आती हैं वो एडजस्टेबल नोजल्स के साथ इक्विप्ड होती हैं, जिससे आप वाटर जेट की इंटेंसिटी और उसके स्प्रेड को चेंज कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंट्रोल सिस्टम, और पांचवा होता है माउंटिंग प्लेटफॉर्म, जिस पर वाटर कैनन्स को माउंट करके इस्तेमाल किया जाता है। और आज के समय में वाटर कैनन्स ट्रक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और शिप्स पर माउंट करके इस्तेमाल की जाती है अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से। अब प्रश्न ये आता है कि नॉन लीथल वेपन के तौर पर मार्केट किए जाने वाले वाटर कैनन्स एक्चुअल में कितनी लीथल, कितनी घातक साबित हो सकती है। तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप वाटर कैनन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। वाटर कैनन जिस रफ्तार से पानी को बाहर फेंकती है उसकी रफ्तार लगभग 50 से 150 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। और इतनी अधिक रफ्तार से अगर पानी बाहर की तरफ निकलेगा तो उसमें जो फोर्स होगी वो बहुत ही जबरदस्त होगी, और इतनी अधिक फोर्स बोन्स को ब्रेक कर सकती है, खास तौर पर अगर उसे क्लोज रेंज से पर्सन पर डायरेक्टली हिट किया जाए। इसके अलावा वाटर के जो हाई वेलोसिटी जेट्स हैं तो वो इंटरनल इंजरीज दे सकते हैं। अगर टॉर्सो जैसे एरिया पर डायरेक्टली हिट किया जाए तो उसे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। अगर वाटर कैनन को कुछ सेंसिटिव एरियाज जैसे कि हेड या नेक पर एम किया जाए तो इसे बहुत ही सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, और ये किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। कई सारे डॉक्यूमेंटेड केस है जहां पे वाटर कैनन के इस्तेमाल से कई सारे लोगों ने अपनी आईसाइट लूज करी है, जैसे कि 2010 का एक केस है जब जर्मनी में एक प्रोटेस्ट के दौरान वाटर कैनन इस्तेमाल की गई थी, जिससे कई सारे प्रदर्शनकारियों को उनके सर पर काफी गंभीर चोटें आई थी, और फिर उनमें से कई सारे प्रदर्शनकारियों की उसी चोट की वजह से बाद में मृत्यु भी हुई थी। इसी तरह से साउथ कोरिया में 2015 में एक प्रोटेस्ट के दौरान एक किसान को भी डायरेक्टली वाटर कैनन से हिट किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई थी। रही बात भारत की, तो भारत में भी कई बार भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाँ, भारत में अभी तक ऐसा कोई भी केस देखने को नहीं मिला है
जिसमें वाटर कैनन के इस्तेमाल से कोई कैजुअल्टी हुई हो। और इस तरह के कई अलग अलग केसेस हैं जिसमें वाटर कैनन टियर गैस या फिर रबर बुलेट से भी कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी फोर्स बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है, खास करके अगर इसे रॉन्ग स्पॉट पर एम किया जाए तो। बाकी कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वाटर कैनन को एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, उदाहरण के तौर पर मर्चेंट शिप्स पर। हाल ही के समय में जब से समुद्र में पायरेसी वाली घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो उसके बाद से ही कई सारी कार्गो वेसल्स, क्रूज शिप्स, उन सभी में वाटर कैनन को काफी अच्छी खासी मात्रा में इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि जो वाटर कैनन होती हैं वो एंटी पायरेसी डिफेंस की तरह भी काम करती हैं। इन कैनन को शिप्स के डेक पर माउंट किया जाता है ताकि पायरेट्स को शिप पर चढ़ने से रोका जा सके। और इन शिप्स पर इस्तेमाल होने वाले वाटर कैनन इतनी पावरफुल भी होती हैं कि वो एक छोटे साइज की बोट को पानी में डुबा भी सके। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल बड़े साइज के रॉक फॉर्मेशंस और डेब्रिस को क्लियर करने के लिए माइनिंग ऑपरेशंस में भी किया जाता है। और वाटर कैनन के यूजेस में एक सबसे कूलेस्ट यूज है वाटर कैनन सैल्यूट, जो कि एविएशन में एक सेरेमोनियल ट्रेडिशन है, जो कि आमतौर पर किसी सिग्निफिकेंट इवेंट को सम्मान देने के लिए परफॉर्म किया जाता है। और ये इवेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि पायलट की रिटायरमेंट से पहले उसकी फाइनल फ्लाइट, या अगर कोई एयरक्राफ्ट रिटायर होने से पहले अपनी लास्ट फ्लाइट लेने वाला है, या कोई नया एयरक्राफ्ट सर्विस में एंटर होने वाला है। तो इस तरह के अलग अलग इवेंट्स में वाटर कैनन सैल्यूट अक्सर देखने को मिलते हैं। तो ये थे वाटर कैनन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और ये दिखाता है कि पानी जो कि जीवन प्रदान करता है, लेकिन अगर इसे गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए और गलत हाथों में आए, तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये जीवन भी ले सकता है। तो अगली बार से अगर आपको कभी वाटर कैनन एक्शन में दिखाई दे, तो याद रखना वो केवल पानी नहीं है, बल्कि उस पानी में एक बहुत ज़्यादा फोर्स है जो कि आपको अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।